कर्नाटक सिटी के लास्ट टॉपिक मैंने जो पढ़ाया था आपको, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको एक चीज बोली थी, आपको याद है कि जो एमीटर, वोल्ट मीटर्स ये सब होते हैं, ये मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से ही मेजर कर पाते हैं करंट। याद है आपको? करंट कैरिंग लूप जो है वो एक करंट कैरिंग लूप जो है वो खुद एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, जिसका एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है, एंड वो लूप को जब आप मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हो तो उसकी वजह से एक टॉर्क लगता है, टॉर्क लगने की वजह से वो घूमता है। एंड अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था टॉर्क प्रोपोर्शनल टू करंट होता था। ये हमने ऑलरेडी आज डिराइव किया ना कि करंट कैरिंग लूप को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो टॉर्क आ रही है एमबी साइन थीटा, एंड एम की जो वैल्यू है वो तो करंट इंटू एरिया ही तो लिख रहे हैं ना, है नहीं है? यस सर। तो इसीलिए ये वाली पार्ट को ही आज आज एग्जैक्टली वो एक्सप्रेशन कैसे आता है उसको एक बार दिखाएंगे आपको। एक्सपेरिमेंटल सेटअप तो भी बीच में इम्पोर्टेंट। आपकी आवाज कट गई थी। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने ज्यादा कुछ बोला नहीं है, मैं लास्ट क्लास के बारे में ही बात कर रहा था। So, अभी हमारा जो इम्पोर्टेंट सेटअप है, मतलब एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, उसको मैं एक बार ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। सेटअप कुछ ऐसा होता है कि जैसे दो बार मैग्नेट्स होते हैं, बार मैग्नेट्स मतलब एग्जैक्टली बार मैग्नेट्स नहीं होते, वो हॉर्सशू मैग्नेट्स होते हैं, सिलेंड्रिकल मैग्नेट होते हैं। क्यों होते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि एक नॉर्थ पोल दिखा रखा है यहाँ पे और यहाँ पे एक साउथ पोल दिखा रखा है, और इनके बीच में हमारा वो कॉइल जो है वो सस्पेंडेड होता है, मतलब जिसको गैल्वेनोमीटर का कॉइल कहते हैं। वैसे तो इसमें बहुत सारे टर्न्स होंगे, बट मैं ज्यादा टर्न्स दिखा नहीं रहा हूँ, डायग्राम हमारा गंदा होगा। ये से निकल जा रहा है। आपको डायग्राम समझ आ रही है? तो यस सर। यहाँ पे करंट आई आएगा, तो ये लूप में आपको करंट ऐसा दिखेगा, ठीक है? और उसके बाद फिर यहाँ से करंट बाहर भी निकल जानी है। जैसा कि मैंने बोला आपको, ये जो हमने मैग्नेट्स यूज किया है ये बार मैग्नेट्स नहीं है, ये सिलेंड्रिकल शेप के हैं, सिलेंड्रिकल शेप्ड बार मैग्नेट्स हैं या मैग्नेट्स हैं। अभी बस मैं आपको सेटअप बता रहा हूँ, एंड ये आपका कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर बोलेंगे इसको, दिस इज कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये एक जगह से बीच से लटका हुआ होता है, जहां से ये लटका हुआ होता है उसको फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप कहते हैं। यहाँ पे एक सस्पेंशन स्ट्रिप होती है, दिस इज फॉस्फर ब्रॉन्ज, ये मटेरियल है बेसिकली। अभी एक्सपेरिमेंटल सेटअप बता रहा हूँ, वर्किंग नहीं समझा रहा, एक्सपेरिमेंटल सेटअप में इतना आपको याद रखना है। अब सबसे पहली चीज है कि एक एक करके सारा का डिस्कशन करेंगे। पहले आपको ये बताते हैं सिलिंड्रिकल शेप का मैग्नेट हम क्यों यूज कर रहे हैं, उसके समझने के लिए पहले सिलेंड्रिकल शेप का एग्जैक्ट व्यू ड्रॉ करते हैं, ठीक है? अगर हम सिलेंड्रिकल शेप के मैग्नेट को ड्रॉ करें तो ये कुछ ऐसा दिखना है आपको।
ये देखो, ये है सिलेंड्रिकल शेप का मैग्नेट, ये है नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। आपको समझ आ रही है सिलेंड्रिकल शेप क्यों बोल रहे हैं इसको? Yes, sir. अब ये सिलेंड्रिकल शेप लेने से एडवांटेज क्या होगा और वो एडवांटेजेस कैसे है उसके बारे में बात करेंगे। सिलेंड्रिकल शेप का मैग्नेट हमारे लिए क्या इंश्योर करता है? पहला चीज ये है कि जैसे नॉर्मली अगर आप बार मैग्नेट लोगे, जैसे ये नॉर्मल बार मैग्नेट्स लोगे, तो ये नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल अगर दिखाते हो आप, तो फील्ड लाइंस आपको ऐसे दिखाने पड़ेंगे जैसे आप यू नो इलेक्ट्रिक चार्जेस के लिए दिखाते हैं, प्लस से माइनस की तरफ ऐसा कुछ एक फील्ड लाइंस आपको दिखेगा। तो ये एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड क्रिएट कर रहा है, दिख रहा है आपको? दिख रही है? यस सर। ये एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड क्रिएट करेगा, और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड क्रिएट करेगा तो एम और बी के बीच में एंगल जो है वो लगातार मतलब हर एक लोकेशन पे चेंज होता रहेगा। दिख रही है आपको? दिख रही है? यस सर। टॉर्क की एक्सप्रेशन में टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा अगर यूज करते हैं, पहली चीज तो ये है एम बी साइन थीटा में बी यूनिफॉर्म होगा तभी यूज कर सकते हैं, अगर बी नॉन यूनिफॉर्म होगा तब यूज नहीं कर सकते। दूसरी चीज ये भी प्रॉब्लम है कि टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा में अगर थीटा खुद वेरिएबल हुआ तो टॉर्क सिर्फ करंट पे डिपेंडेंट नहीं होगा, वो थीटा पे भी तो डिपेंडेंट होगा, होगा नहीं होगा? ठीक है। बट अगर हम उसमें सिलेंड्रिकल शेप का मैग्नेट लेते हैं तो ये प्रॉब्लम हमारा ओवरकम हो जाएगा। अब कैसे ओवरकम होगा? इसका टॉप व्यू एक बार मैं आपको दिखाता हूं, इसका टॉप व्यू दिखाता हूं, इस मैग्नेट का टॉप व्यू एक बार देखो, इसमें हम इसको बेटर समझ पाएंगे। तो टॉप व्यू में अगर ड्रॉ करेंगे तो ऐसा कुछ दिखना है हमें। देखो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ऐसे कुछ दिखेगा, ठीक है। अब इसकी जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप ड्रॉ करोगे ना, ये कुछ ऐसा दिखना है आपको, नॉर्थ पोल से निकलेगा एंड साउथ पोल पे टर्मिनेट करेगा, नॉर्थ पोल से निकला साउथ पोल पे टर्मिनेट किया, आई यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर। ठीक है, तो ऐसे फील्ड लाइंस आपको मिलेंगे। देखो मैंने लाइंस तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तीन ड्रॉ किया है, वैसे आप और भी लाइंस आप इमेजिन कर सकते हो। ये देखो ऐसे लाइंस भी आप इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे लाइंस हमने ड्रॉ किए हैं, ऐसे चार पांच लाइन ही तो सिर्फ थोड़ी ना होगा, यहाँ पे तो मतलब लाखों लाखों लाइंस होंगे, होंगे नहीं होंगे इस छोटे से स्पेस में? क्योंकि कोई भी जगह खाली नहीं रहेगा, मतलब एकदम टाइटली पैक्ड आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। अब टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर दिखने से बेसिकली कैसा होगा, जैसे आप सोचो इसमें आपको स्ट्रक्चर फील कैसा होगा, मैं आपको एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूँ, बहुत क्लोजली पैक्ड होंगे, इतना गैप भी नहीं होगा, इतना गैप तो दिखेगा नहीं, ये बहुत बड़ा गैप मैंने बना दिया बीच में, ऐसा ही कुछ होगा ना, मतलब टाइटली और टाइटली पैक्ड आप इमेजिन करो। समझ आ रही है आपको क्या कह रहा हूं मैं? इट्स काइंड ऑफ अ बंच ऑफ हेयर ना, जैसे आप इमेजिन करो लड़कों का हेयर इमेजिन नहीं करना, लड़कियों का हेयर इमेजिन करना है। लड़कियों का हेयर इमेजिन करो और इमेजिन करो बीच में ऐसे चोटी बांध दो, यहाँ पे ऐसा एक चोटी बांध दो, चोटी समझते हैं आप, मतलब एक रबर बैंड लगा दो। समझ आ रही क्या कह रहा हूँ मैं? Yes, sir. तो अभी रबर बैंड ऐसे लगा दिया तो देखो एक साइड से हेयर्स इन हो रहा है और दूसरे साइड से हेयर्स आउट हो रहे हैं, दिख रही है आपको? Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. अब ये लाइंस का अगर डेंसिटी बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा, तो ऐसा अपियरेंस होगा, देखो ऐसा अपियरेंस होगा, मैं कह रहा हूँ कि फील्ड लाइन आपकी इधर से जो आ रही है, देखो इधर से जो आ रही है वो ऐसा अपियर होगा कि इधर से जो फील्ड लाइन आया वो अपीयर होगा इधर चला गया, फिर अपीयर होगा कि जो फील्ड लाइन इधर से आया वो इधर चला गया, जो फील्ड लाइन इधर आया वो देखो इधर चला गया, जो फील्ड लाइन इधर आया
वो इधर चला जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको डायग्राम थोड़ा गंदा हो गया इसके लिए, ये इधर चला गया। देखो दिख रही है आपको, समझ आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? Yes, sir. तो ऐसा अपीयरेंस होगा। देखो ये लाइंस अगर हम कम ड्रॉ करेंगे तो हमें ये फील नहीं होगा, अगर लाइंस का नंबर बहुत ज्यादा रखोगे तब आपको ये फील होगा कि जो लाइन आपका नीचे से आ रहा है लग रहा है ऊपर चला जा रहा है। आप इसको इनको तभी फील कर पाओगे जब आप इमेजिन करो कि ये दोनों मतलब जो ऊपर वाले और नीचे वाले जो फील लाइंस मैंने दिखा रखे हैं उनको आप नीचे की तरफ पुल करके लेके आओ, मतलब ऊपर वाले को नीचे पुल करके लाओ और नीचे वाले को ऊपर पुल करके लेके जाओ, तो आपको समझ आ जाएगा। वो समझ आ रही क्या कह रहा हूं मैं? Yes, sir. ऐसे आ रहा, ऐसे चला गया और ये इधर से ऐसे आया और ऐसे चला गया, तो ऐसा नहीं लग रहा आपको कि इधर से आया इधर चला गया ऐसा? Yes, फिर ऐसा नहीं लग रहा इधर से आया और इधर चला गया, ये समझ आ रहा है? ठीक है, तो इस तरह के फील्ड लाइंस को हम कहते हैं रेडियल फील्ड लाइंस। रेडियल फील्ड लाइंस मतलब कि सेंटर से अगर आप एक सेंटर के रेस्पेक्ट में अगर देखोगे तो फील्ड लाइंस हमेशा आपको किसी ना किसी रेडियस के अलोंग ही दिखेगा। दिख रही है आपको? Yes, तो इस फील्ड लाइन का अपीयरेंस कैसा है? द फील्ड लाइंस अपीयर, अपीयरेंस इज रेडियल फील्ड लाइंस, अपीयरेंस ऑफ फील्ड लाइंस इज रेडियल। अब रेडियल जब हम कह रहे हैं तो उसको कैसे ड्रॉ करेंगे? जैसे ये आपका एक सिलिंड्रिकल शेप, थोड़ा सा this is north, this is south, और फील्ड लाइंस जो आपको अपीयर होंगे वो कुछ ऐसे अपीयर होंगे कि इधर से आए। फील्ड लाइंस एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं करते बट यहाँ पे अपीयरेंस ऐसा होगा कि जैसे वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है। देखो आपको बात समझ आ रही है? Yes, sir. समझ आ रही है? अब ध्यान रखना फील्ड लाइंस एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं करते बट आपको अपीयरेंस ऐसा होगा कि ये फील्ड लाइंस एक्चुअली इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। अब इससे एडवांटेज क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। फील्ड लाइंस अब रेडियल तो मिल गया आपको, अब आप किसी भी ओरिएंटेशन में अपने लूप को प्लेस करो। आप याद करो ये हमने टॉप व्यू ड्रॉ किया था, याद है आपको? टॉप व्यू था ना ये? यहाँ पे याद करो आपका ये लूप भी लटका हुआ है, जो यू नो कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर है वो लटका हुआ है। अगर आप उसको ऊपर से देखोगे तो कॉइल के आपको जो ऊपर के एजेस हैं वो दिखेंगे ना आपको, दिखेंगे? Yes, तो वो एजेस आपको ड्रॉ करने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, तो किसी भी एक ओरिएंटेशन पे अगर ले रहे हैं, किसी भी ओरिएंटेशन पे रैंडम ओरिएंटेशन ले रहे हैं, तो ये देखो ये आपको ऐसा दिखना है। ये रेड कलर से जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये हमारा गैल्वेनोमीटर का कॉइल है, ये देखो। समझ आ रही है आपको? Yes, sir. ये रेड कलर से जो दिखा रखा है दिस इज कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर। अगर आप नोटिस करोगे तो जो कॉइल जहां पे रखा हुआ है उस लोकेशन पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसके प्लेन में है, दिख रहा है आपको? उसके दूर में नहीं, उसके दूर की बात नहीं कर रहे हैं, दूर में डिफरेंट डायरेक्शन में हो सकता है, मुझे उससे मतलब नहीं है, बट कॉइल को जो टॉर्क देगा वो तो उसके प्लेन का ही फील्ड देगा ना, राइट? Yes, right? तो देखो ये फील्ड जो है ये आप इस ओरिएंटेशन में रखो या किसी और ओरिएंटेशन में रखो, अगर किसी और ओरिएंटेशन में रखते अगर मान लो ऐसे रखते तो भी देखो वो किसी ना किसी डायमीटर के अलोंग ही तो होता ना, होता नहीं होता? Yes, sir. समझ आ रही है आपको? Yes, अगर आके यहां से यहां रख दो, सोचो यहां से यहां रख दो, तो देखो अब ये वाला फील्ड के अलोंग है, दिख रहा है आपको? वो भी तो एक डायमीटर के अलोंग है, समझ आ रही है? तो इसका मतलब है कि ये किसी भी ओरिएंटेशन पे रहे, कॉइल किसी भी ओरिएंटेशन पे रहे, इसका एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ आपका फिक्स्ड है और वो कितना है? 90 डिग्री है। मैग्नेटिक मोमेंट और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री है, दिख रही है आपको?
समझ आ रही है? इसीलिए इसको अपीयरेंस ऐसा होगा कि फील्ड क्या है इसके लिए, यूनिफॉर्म है, इसकी अपीयरेंस इसको अपीयर होगा, एक्चुअली फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है क्योंकि डायरेक्शन में तो चेंज हो ही रहा है, एक जगह से दूसरे जगह जाओगे तो डायरेक्शन में चेंज हो रही है, बट जब हम कॉइल को टर्न कर रहे हैं तो कॉइल के लिए हमेशा फील्ड उसको प्लेन में ही मिल रहा है और इसीलिए एंगल फिक्स्ड है और मैग्नीट्यूड जो है वो हर जगह पे सेम है क्योंकि ये रेडियल फील्ड लाइंस आपको मिल रही है, स्पेसिंग हर जगह एक जैसी दिख रही है। गेटिंग इट और नॉट? यस सर। ठीक है, सो दैट्स, तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि यू नो कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आ सकता है कि सिलेंड्रिकल शेप के बार मैग्नेट से एडवांटेज क्या है। सो सिलेंड्रिकल शेप, सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट्स इंश्योर रेडियल फील्ड लाइंस, रेडियल फील्ड लाइंस ड्यू टू विच पहला the loop always appears in plane of B vector of magnet, dusra the magnitude of field appears uniform. Therefore, irrespective of the orientation of loop, अगर हम टॉर्क की वैल्यू की बात करें तो टॉर्क विल बी बीना साइन 90 एंड देयरफॉर दिस बिकम्स बीना। ठीक है, दिस इज टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये टॉर्क को कौन बैलेंस करेगा, इसकी वजह से कॉइल आपका क्या होगा, घूमेगा। बट याद है यहाँ पे मैंने आपको बताया था एक फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप लगा हुआ था, तो जब वो ट्विस्ट होगा तो वो क्या करेगा, एक रिस्टोरिंग टॉर्क वहां पे जनरेट करेगा, और अगर वो रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट करेगा, ओहो जस्ट अ सेकंड, एक मिनट, फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप अगर हमने लगा रखा है यहाँ पे, तो उससे क्या होगा कि जब ये ट्विस्ट होगा, जब लूप ट्विस्ट होगा, तो उसके साथ साथ फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप भी ट्विस्ट होगा। अगर वो ट्विस्ट होगा तो क्या करेगा, एक रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट करेगा, और जहां पे उसका रिस्टोरिंग टॉर्क और मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क अगर बैलेंस हो गया तो उस केस में क्या होगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। समझ आ रही है? तो ड्यू टू दिस टॉर्क, मतलब ये दिस टॉर्क मतलब मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क, दिस टॉर्क the loop rotates which in turn produces twist in the phosphor bronze strip and this produces a restoring torque. On loop given by torque restoring will be C into phi. Yes, so C into theta ही लिख लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता, theta ही ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, phi रहने दो, आप phi ही हमेशा लिखते थे। तो ये आपका twist angle है, this is twist angle, मतलब ये ट्विस्ट एंगल कैसे मेजर करते हैं, डिफ्लेक्शन शोन इन नीडल। नीडल समझ रहे हैं आप, कॉइल के साथ ही बेसिकली क्या होता है, जो गैल्वेनोमीटर का जो कॉइल दिखा रखा था वो कॉइल के साथ एक नीडल लगी हुई होती है, ऐसे देखो आप, मुझे देखो फिर समझ आएगा। जैसे ये सोचो कि मेरा हाथ को आप सोचो कि प्लेन ऑफ कॉइल है, तो प्लेन ऑफ कॉइल के साथ हमने क्या किया, यहाँ पे एक नीडल लगा दिया, दिस इज द नीडल। तो अगर प्लेन ऑफ कॉइल टर्न करेगा तो नीडल भी तो टर्न करेगा ना, समझ आ रही है? जितना ट्विस्ट आपके कॉइल में आएगा उतना ही तो बेसिकली नीडल भी घूमेगा, समझ आ रही है? यस सर।
ठीक है, तो वो ट्विस्ट एंगल जिसको आप मेजर करना चाहते हैं वो आराम से मेजर कर सकते हैं वहां पे। बस आप उसके साथ कॉइल के साथ क्या करिए, एक नीडल लगा दीजिए और नीडल जितना ट्विस्ट होगा उसी से पता चलेगा कितना ट्विस्ट आया। ठीक है? यस सर। ठीक है, और ये सी तो आपको पता है, दिस इज टॉर्शनल कॉन्स्टेंट, याद है आपको? यस सर। टॉर्शनल कॉन्स्टेंट है, ठीक है। अब ये यू नो फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप क्यों यूज किए थे उसके बारे में भी आपको पता चलेगा, थोड़ी देर में तुरंत बताते हैं। So therefore, at equilibrium, equilibrium मतलब कि जब आपका coil और turn नहीं कर रहा है, तो हम ये लिख सकते हैं torque of magnetic field will be balanced with restoring torque. Torque of magnetic field was Bina and restoring torque was C into phi. So therefore, current की value अगर हम निकालें तो यह आ जाएगा C by NBA into phi. अगर आप notice करोगे तो current proportional to phi आ गया है, दिख रही है आपको? Yes. है ना? और ये तो मैंने आपको बताया था, याद है आपको, कि जो डिफ्लेक्शन आती है वो डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होती है, याद है आपको? यस सर। यस सर। तो ये चीज हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे। इसमें अब करंट सेंसिटिविटी डिफाइन करेगा, करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर का डिफाइन करें, इसको आई सेन लिख रहे हैं। करंट सेंसिटिविटी क्या होती थी याद है आपको? करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन, याद है आपको? आपको क्या लॉजिक बताया था, अगर छोटे करंट के लिए बड़ा डिफ्लेक्शन आए तभी तो बोलते थे ना ज्यादा सेंसिटिव है, राइट? करंट को छोटा रखो और डिफ्लेक्शन को बड़ा रखो, तो क्या ये रेशियो बढ़ाएगा या छोटा हो जाएगा? उल्टी पुल्टी हर चीज में हाँ हाँ करते रहते हो। तो करंट सेंसिटिविटी निकालनी है तो आपको phi by I करनी है, और phi by I करोगे तो क्या रेशियो मिलेगा, देखो, NBA divided by C मिलेगा, दिख रही है आपको? ये रेशियो आपको याद रखनी है, ठीक है? ये रेशियो कई बार आपको डायरेक्टली कैलकुलेट करने के लिए बोल देते हैं। तो अगर आप देखोगे तो करंट सेंसिटिविटी की अगर हम बात कर रहे हैं, करंट सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय, क्या करना है आपको, इंक्रीजिंग एन बी और ए, या फिर डिक्रीजिंग सी, है या नहीं है? अगर हम सी को कम रखेंगे, अगर हम सी को रखेंगे कम तो आपका ज्यादा सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर मिलेगा, यही तो मतलब निकल रहा है ना? और फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप का जो मटेरियल हमने चूज किया था वो इसी वजह से किया था, क्योंकि फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप का जो मटेरियल है उसका टॉर्शनल कांस्टेंट बहुत कम होता है, मतलब उसमें बड़े डिफ्लेक्शन पे भी एक छोटा सा टॉर्क ही जनरेट करता है वो। इससे क्या होगा, आपका गैल्वेनोमीटर हाईली सेंसिटिव होगा। बट अगर सोचो कि अगर ये आप उल्टा चूज करते, अगर एक ऐसा यू नो स्ट्रिप चूज करते जिसको रोटेट करना या ट्विस्ट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता, तो अगर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता तो उस केस में डिफ्लेक्शन तो आसानी से आता नहीं, क्या आसानी से डिफ्लेक्शन आता नहीं, समझ आ रही है? तो इसी वजह से आपको हाईली सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर रखने के लिए हमने क्या किया था, फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप का मटेरियल चूज किया था। सो ये चीज का ध्यान रखना है। सो देयरफॉर ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है। सो फॉर देयरफॉर फॉर हाई सेंसिटिविटी, हाई सेंसिटिविटी फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप वॉज यूज्ड सिंस इट हैज very low torsional constant, okay. अभी अगर voltage sensitivity निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, Ben by CR, वोल्टेज सेंसिटिविटी चाहिए, सेंसिटिविटी, तो इसको वी से लिख रहे हैं, ठीक है? एंड दैट विल बी इक्वल टू, अब कैसे निकालोगे इसको, करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, यही करना पड़ेगा ना? यस राइट, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज मेजर्ड बाय द यू नो डिवाइस, एंड इसको आप कैसे निकालोगे, फाइ डिवाइडेड बाय आई इनटू आर करोगे, यही करोगे? यस सर। आर यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर हो जाएगी, कॉइल ऑफ
गैल्वेनोमीटर, ठीक है, दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर, एंड इसकी वैल्यू अगर आप देखोगे तो इसको आप ऐसे ले सकते हो, दिस इज एन बी ए डिवाइडेड बाई सी इंटू आर, ये आ जाएगा ना, आएगा yes, इसको चाहे तो ऐसे भी ले सकते हो, दिस इज करंट सेंसिटिविटी बाई रेजिस्टेंस, ऐसे भी तो ले सकते हैं, है ना? Yes, sir. तो अब अगर आपसे किसी ने पूछा कि वोल्टेज सेंसिटिविटी को बढ़ानी है तो क्या करोगे आप, एन बी ए इसको इंक्रीज करोगे या फिर सी और आर को डिक्रीज करोगे, यही है ना? Yes, sir. Yes, sir. गलत. अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाते हैं, मान लेते हैं नंबर ऑफ टर्न्स हम इंक्रीज कर रहे हैं, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस भी तो प्रोपोर्शनल इंक्रीज होगा, जैसे एक लूप का जितना रेजिस्टेंस होगा दो लूप में तो डबल हो जाएगा ना रेजिस्टेंस, yes, sir. होगा ही नहीं होगा? Yes, sir. तो n by r क्या इंडिपेंडेंट है या एक दूसरे पे डिपेंडेंट है? डिपेंडेंट है. तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स आप डबल करते हो तो रेजिस्टेंस भी डबल होगा, तो रेशियो चेंज हुआ या अनचेंज हो गया? अनचेंज हो गया. तो ये थ्योरेटिकली, ये थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अगर हम करंट सेंसिटिविटी की बात करें तो इट कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, बट इफ यू आर टॉकिंग ऑफ वोल्टेज सेंसिटिविटी इट कैन नॉट बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स. बात समझ आई आपको? यस सर. ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, द वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी cannot be increased by increasing the number of turns since resistance of coil would increase proportionally. ठीक है? Yes, sir. ध्यान रखिएगा. बट आपको एक और चीज याद है कि हम जब वोल्टमीटर बनाते थे गैल्वेनोमीटर से तो उसमें सीरीज में एक रेजिस्टेंस जोड़ते थे, याद है? High resistance in series, याद है? Yes, sir. Yes, sir. वो high resistance in series को अगर हम change करते हैं, तो क्या हमारा number of turns affected होगा? Series. अगर वो जो series resistance हम connect कर रहे थे, अगर हम उसी को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो क्या हमारा number of turns affected होगा? नहीं, sir. नहीं. समझ आ रही है? तो उससे number of turns affect नहीं होंगे. तो वोल्टेज सेंसिटिविटी को आप रेजिस्टेंस ऑफ यू नो वोल्टमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर बोल रहे हैं, गैल्वेनोमीटर अब नहीं बोलना चाहिए, वोल्टमीटर. तो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस चेंज करके आप वोल्टेज सेंसिटिविटी को चेंज कर सकते हैं. समझ आ रही है? ठीक है, इस बार ये नहीं बोलना कि हाँ ठीक है सर, नंबर ऑफ टर्न्स आपने चेंज किया, नंबर ऑफ टर्न्स हमने फिक्स रखा, वो सीरीज रेजिस्टेंस को चेंज करके हमने वोल्टेज सेंसिटिविटी को चेंज किया है. ठीक है, अब उस पर बेस करके एक छोटा सा क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ये पॉपुलर सा क्वेश्चन है. जैसे ऐसे सोचो, the current sensitivity of a moving coil galvanometer, MCG is a common name, MCG मतलब moving coil galvanometer, ठीक है, increases by 20% when the resistance of voltmeter is doubled. By what factor does the voltage sensitivity change? ये simple सा question है. आपको ये पता है voltage sensitivity को हम क्या लिखते हैं? Current sensitivity divided by resistance, ये लिखते हैं ना? लिखते हैं. तो नई वैल्यू अगर लिखें वोल्टेज सेंसिटिविटी की, वी सेंड डैश लिख लेते हैं, तो इसको हम लिखेंगे करंट सेंसिटिविटी नई वैल्यू एंड डिवाइडेड बाय नई रेजिस्टेंस, इसको 2R लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं. और करंट सेंसिटिविटी उसने बोला है कि 20% इंक्रीज कर गया है, मतलब इसको लिख सकते हैं 1.2 टाइम्स ऑफ प्रीवियस वैल्यू, लिख सकते हैं.
एंड डिवाइड बाई टू आर कर लिया, तो अगर आप देखोगे तो यार ये 0.6 टाइम्स ऑफ प्रीवियस वैल्यू है. एंड 0.6 मतलब यहाँ पे उसने पूछा था किस फैक्टर से चेंज किया, तो हमारा फैक्टर कितना हो गया, 0.6 हो गया, है ना? समझ आई आपको? यस सर. यस सर.